हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। हनुमान, मेरा लक्ष्मण जो सदा मेरे सन्मुख आने पर खड़ा हो जाता है, वही आज मेरे सामने नयन मुद्दे पड़ा है। ये कैसे हुआ? प्रभु, धरणीधर जब धरती पर गिरे, सूर्य चंद्र की गति थम गई। परंतु क्यों, किस कारण? ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने लक्ष्मण को शक्तिहीन कर दिया? सावधान अयोध्यानाथ, आज रावण कुमार पूरी शक्ति के साथ तीव्र गति से चढ़ाई करने आ रहा है। हम भी सो नहीं रहे विभीषण जी, हम भी प्रबल वेग से टक्कर लेंगे। मुझे आज्ञा दे प्रभु, मैं आगे बढ़कर अपनी सेना की व्यूह रचना का निरीक्षण करूं। आगे बढ़ो बजरंगबली। जय श्री राम। लक्ष्मण, क्या नाग पाश का विष नहीं उतरा अभी जो तुम्हें बेमौत मरने भेज दिया? अपने बल पे इतराने वाले अंग हनुमान कहां जाकर चुप गए? जय श्री राम। हनुमान को जब याद करोगे प्रकट हो जाएगा। वध करने नहीं आया। जिसने मेरे भाई अधिकार का वध किया है
उस लक्ष्मण से जाकर कहो कि कायरों की तरह मुंह न छुपाए, सामने मैदान में आए, उसकी मौत से ललकार रही है, हाय लक्ष्मण। क्या बात है अंकल? क्या मेघनाथ रणभूमि छोड़कर भाग गया? कल की विजय ने उसे उन्मत्त कर दिया लक्ष्मण भैया, बार बार गरज गरज कर आपको ललकार रहा है, कह रहा है कि कल के नागदंश के घाव भरे नहीं या इंद्रजीत की मार से डर कर इंद्रजीत से सामना करने का साहस नहीं रहा। भैया आज्ञा दीजिए, मेघनाथ की गर्जन समाप्त करने के लिए मेरे अस्त्र अधीर हो रहे हैं। किंतु तुम इतने अधीर न हो धीरवीर, उसका नाम मेघनाथ है, गरजना तो मेघ का स्वभाव है। वीर सौमित्र, उत्तेजित होकर नहीं एक धीर योद्धा की भांति जाओ। प्रभु, लक्ष्मण जी की सुरक्षा और सहायता के लिए कुछ योद्धा उनके साथ रहे। विभीषण जी, इन मायावियों की कपट लीला को विभीषण जी भली भांति जानते हैं, हमें उनके परामर्श की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। सौमित्र, अंगद। आज्ञा प्रभु। तुम, हनुमान, नल, नील, तत्परता पूर्वक लक्ष्मण के आसपास रहना। जो आज्ञा। धूल में मिला दिया है, देवताओं का गर्व चूर चूर किया है। रणभूमि में इन वानरों से खिलवाड़ करने में आनंद नहीं, किसी वीर की वीर के साथ टक्कर हो तो योद्धा की रण पिपासा पूरी होती है। अपने राम और लक्ष्मण से कहो कि सामने आए, या अपने अस्त्र शस्त्र हमारे चरणों में डालकर अयोध्या वापस लौट जाए। तुम निशाचरों को यमलोक भेजे बिना हम अयोध्या कैसे लौट जाए मेघनाथ? आ गया तू, अपनी सहायता के लिए अपने बड़े भैया को साथ नहीं लाया? बढ़ बढ़कर नाद ना कर मेघनाथ। मेघनाथ के सिंहनाद का परिणाम तो तू देख ही चुका है, कल बच गया, लेकिन आज साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुझे बचाने आ जाएंगे तो वो भी नहीं बचा पाएंगे। दो तेजवंत दो शक्तिवान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर
पल में अदृश्य कभी धरती पर कभी अंबर में कभी धरती पर कभी अंबर में ये मायाधारी मेघनाद अति सूक्ष्म रूप धर पल भर में सूक्ष्म रूप धर पल भर में सौमित्र नहीं कम किसी भात रण कौशल के इस जौहर में रण कौशल के इस जौहर में दोनों सुवीर दोनों अजय दोनों दोनों की टक्कर में टक्कर में इस महासमर को देख देख सुर नर मुनि जन अकुलावे तीरन से काटे तीरन को तीरन पे तीर चलावे हर हर महादेव हर हर महादेव कभी जाकर दूर करे प्रहार कभी आ लक्ष्मण के पास लड़े लक्ष्मण के पास लड़े श्री राम शपथ लेकर लक्ष्मण करने असुरों का नाश लड़े करने असुरों का नाश लड़े मेघनाद के माध्यम से रावण के अंतिम आस लड़े रावण की अंतिम आस लड़े शावतार धर लखन रूप इत रघुवर का विश्वास लड़े रघुवर का विश्वास लड़े अपने अपने वीरों की दोनों दल बिरदावली गावे तीरन से काटे तीरन को तीरन पे तीर चलावे हर हर भैया वो कपट युद्ध पर उतर रहा है अदृश्य होकर प्रहार कर रहा है भैया मुझे आज्ञा दीजिए संपूर्ण राक्षस जाति का नाश करने के लिए मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूं नहीं लक्ष्मण ब्रह्मास्त्र अत्यंत विनाशकारी है शास्त्र उसके प्रयोग की आज्ञा हर परिस्थिति में नहीं देता अतः हमें उत्तेजित होकर धर्मयुद्ध का मार्ग नहीं छोड़ देना चाहिए परंतु राक्षस लोग किसी नीति को नहीं मानते वो युद्ध में छल कपट का सहारा लेकर हमारी सेना का संहार कर रहे हैं उनके मायावी शस्त्रों से बचने के लिए एक ही रास्ता है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए युद्ध नीति कहती है अयुद्धमानम प्रच्छन्नम प्रांजलिम शरणागतम पलायमानम मत्तम वा नहंतुम त्वमी हार्मसे अर्थात जो सन्मुख युद्ध न कर रहा हो शरण में आ गया हो युद्ध से भाग रहा हो अथवा पागल हो गया हो उस पर ब्रह्मास्त्र जैसे महासंहारक अस्त्र का प्रयोग वर्जित है परंतु नहीं लक्ष्मण नहीं अधर्म द्वारा प्राप्त की हुई विजय कभी कल्याणकारी नहीं होती जो आज्ञा भैया Thank you.
तीनों बिजली जैसी चमकी बरछी और काल की भांति चली बरछी रणवीरन के उर्चीरन को परकट रण माही भाई बरछी सब रोकन हारे हार गए सब रोकन हारे हार गए नहीं काहू के रोके रुकी बरछी लक्ष्मण को लक्ष्य बना लियो सीधी उर माही धसी बरछी योद्धाओं उठा लो इसे डाल दो रथ पर ले चलो पिताश्री के सम्मुख ये तो धरती में गड़ गया है युवराज हट जाओ इंद्रजीत की विजय का उपहार लंकेश को मैं भेंट करूंगा धर को हाथ लगाया तो धरती में समा जाओगे मेघनाथ ये स्वयं धरती को अपने फन पे धारण करने वाले हैं तुम जैसे पापी के हाथों नहीं उठ सकते मेघनाथ सो नहीं उठे शेष ना क्या हो गया है हनुमान जी वीरवर लक्ष्मण को यह क्या हो गया है अनर्थ हो गया सुग्रीव महाराज अनर्थ हो गया लक्ष्मण लक्ष्मण क्या हुआ लक्ष्मण को लक्ष्मण लक्ष्मण वीरवर हनुमान मेरा लक्ष्मण जो सदा मेरे सन्मुख आने पर खड़ा हो जाता है वही आज मेरे सामने नयन मूंदे पड़ा है कि कैसे हुआ प्रभु धरणीधर जब धरती पर गिरे सूर्य चंद्र की गति थम गई परंतु क्यों किस कारण ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने लक्ष्मण को शक्तिहीन कर दिया क्या क्या यह भी कोई निशाचरी माया है अयोध्यानाथ यह निशाचरी माया नहीं मेघनाथ ने घात लगाकर वीरघातनी शक्ति का प्रहार किया है घोर तपस्या करके रावण कुमार ने यह प्राणघातनी शक्ति प्राप्त की थी जब कोई उपाय नहीं दिखता तब कभी कभार ही वो इस शक्ति का प्रयोग करता है
संभव है तीव्र विषैले नाग का काटा बच जाए, यम पाश से भी प्राण न जाए, परंतु इस वीर घातनी शक्ति से बचना असंभव है। नहीं, नहीं लक्ष्मण, नहीं लक्ष्मण, नहीं भैया, मेरे भैया, तुम इसलिए तो मेरे साथ वन में नहीं आए थे। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, ये धरती फट जाएगी और राम उसमें समा जाएगा।